27 फरवरी की दोपहर से हमने जिस एक चीज़ से सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाई वो था जिनेवा कन्वेंशन। जिन कन्वेंशंस की यहाँ बात हो रही है उनका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय समझौते। जिनेवा स्विट्जरलैंड के एक शहर का नाम है। तो जिनेवा कन्वेंशंस का मतलब हुआ जिनेवा में हुए समझौते। ऐसे चार समझौते हैं, इसलिए कहते हैं जिनेवा कन्वेंशंस। युद्ध के समय जुमला चलता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जिनेवा कन्वेंशंस कहता है नहीं, सब फेयर नहीं है, कुछ तो नियम होंगे जिन्हें लांघा नहीं जाएगा। मसलन लड़ाई में घायल सैनिकों को इलाज देना होगा, लड़ाई के दौरान हिरासत में लिए गए दुश्मन सैनिक के साथ बदसलूकी नहीं होगी। जिनेवा कन्वेंशंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठकों की वो सीरीज है जिसमें इस तरह के हितों की बातें होती हैं। इसलिए आज विस्तार से आसान भाषा में जिनेवा कन्वेंशंस पर बात। जब दो दुश्मन देश जो आमने सामने बात करने को राजी नहीं होते, वो जिनेवा कन्वेंशंस के लिए साथ कैसे आ गए? हम भारत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इसकी वजह जानने के लिए आपको जिनेवा कन्वेंशंस का इतिहास जानना होगा। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री क्लास। आपने इंटरनेशनल रेड क्रॉस का नाम सुना होगा। ये दुनिया भर में जहां भी युद्ध होता है वहां मानवीय सहायता पहुंचाता है। इसे बनाने वाले शख्स का नाम था हेनरी ड्यूनंट। हेनरी 19वीं सदी के स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे। वो व्यापारी थे, जिनेवा में रहते थे। जून 1859 में उनका इटली जाना हुआ। 24 जून 1859 को वो सोलफेरिनो पहुंचे। इसी दिन सोलफेरिनो की लड़ाई में 4000 लोग मारे गए, 36000 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हेनरी ड्यूरेंट ने बर्बादी का मंजर देखा, घायल सिपाहियों से मुलाकात की, दुर्गति देखी, तो वहां से लौट आए और किताब लिखी, अ मेमोरी ऑफ सोलफेरिनो। इसी किताब के चलते वो माहौल तैयार हुआ जिसमें इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस बनी। हेनरी ने सुझाव दिया कि दुनिया के देशों को एक साथ आना चाहिए और लड़ाई के बाद पैदा हुए हालात से निपटने के बारे में सोचना चाहिए। और फिर हुए चार जिनेवा कन्वेंशंस। पहला, हेनरी के कहने पर अक्टूबर 1863 में 16 देश एक साथ आए। फिर जिनेवा में 12 देशों ने एक संधि पर दस्तखत किए कि जंग के मैदान में घायल सिपाहियों के साथ कैसा सलूक हो। दुनिया भर में जंग के कानून का ककहरा यहीं से निकला और इसे नाम दिया गया पहला जिनेवा कन्वेंशन। ये लागू हुआ 1864 में। दूसरा कब हुआ? साल 1906। स्विट्जरलैंड की सरकार ने 35 देशों की एक मीटिंग बुलाई। पहला कन्वेंशन जमीनी लड़ाई के बारे में था, ये कन्वेंशन समुद्री लड़ाई के बारे में था। इस मीटिंग में पिछले कन्वेंशन में सुधार किए गए। तीसरा हुआ पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, क्योंकि तब तक ये साफ हो गया था कि जिनेवा कन्वेंशन का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए 1929 में फिर मीटिंग बुलाई गई। इस बार जोर रहा कि दुश्मन देश के हाथ पकड़े गए सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसे कैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसे तय किया जाए। और चौथा जिनेवा कन्वेंशन हुआ 1949 में। दुनिया ने दूसरे विश्व युद्ध में हुई बर्बरता देख ली थी। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद नए सिरे से जिनेवा कन्वेंशन पर बात हुई। 1929 वाले ड्राफ्ट को सुधारा गया। इस बैठक में दुनिया के कुल 194 देशों ने मिलकर युद्ध बंदियों के साथ के कुछ नए नियम तय किए। साथ में बात हुई कि युद्ध के दौरान आम नागरिकों के हकों की रक्षा कैसे की जाए। तो ये तो हो गए चार कन्वेंशन। इसके अलावा 3 प्रोटोकॉल भी होते हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। पर अभी आप ये जान लें कि विंग कमांडर अभिनंदन के मामले में जिनेवा कन्वेंशन का जिक्र कैसे आ रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों जिनेवा समझौते को मानते हैं, दोनों ने इसके कागज पर दस्तखत किए हैं। अभिनंदन भारत के सैनिक हैं, दुश्मन देश के कब्जे में हैं, तो उनके मामले में काम करता है जिनेवा 3। क्या जिनेवा कन्वेंशन सिर्फ युद्ध में लागू होता है? ये भी एक सवाल है जो पूछा जा रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने आधिकारिक रूप से जंग का ऐलान नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनेवा कन्वेंशन बेमानी हो गया। घोषणा हो ना हो, जब तक समझौते को मानने वाले दो पक्षों के बीच लड़ाई या लड़ाई जैसी घटनाएं, जैसे अभिनंदन के मामले में फाइटर जेट के बीच मुठभेड़ होती रहती है, तब तक जिनेवा कन्वेंशन के नियम लागू रहते हैं। इस संधि की वो खास बातें हैं जो अभिनंदन के मामले में लागू होती हैं, ये हैं। पहली, दुश्मन सेना के जहाज के लोगों को भी बचाना होता है। दूसरी, किसी सैनिक के पकड़े जाने के तुरंत बाद ये संधि लागू होती है। तीसरी बात, घायल युद्धबंदी का इलाज ठीक तरीके से करना होता है, उसके साथ हिंसा नहीं कर सकते। चौथी बात, युद्धबंदी को ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पांचवी बात, रेड क्रॉस सोसाइटी कभी भी इन युद्धबंदियों से मिल सकती है, उन्हें कानूनी सहायता दे सकती है। अगला पॉइंट, युद्धबंदियों से सिर्फ उनके नाम, सैन्य पद, नंबर और यूनिट के बारे में पूछा जा सकता है, धर्म, जाति और जन्म के बारे में पूछताछ करने की मनाही है। युद्ध के बाद जितनी जल्दी संभव हो युद्धबंदी को लौटाना भी होता है।
जिनेवा कन्वेंशन का दबाव, भारत की कूटनीतिक घेरेबंदी और कुल मिलाकर पाकिस्तान पर पड़ा दबाव, या पाकिस्तान के पक्ष की बात कहें तो बातचीत करने के लिए उनकी तत्परता, इन सब से मिला जुला के नतीजा ये निकला है कि विंग कमांडर अभिनंदन देश वापस आ रहे हैं।